खान सर की तो बातें अलग है, आज देखने में बंदर दिल से एकदम कड़क है। खान सर, खान सर पटना बिहार के नाम सर, लॉकडाउन में मेहनत करके किया ऐसा काम का, बच्चे को दिल में बनाया अपने नाम सर, हर एक दिल में विश्वास भी लेकर चला है। खान सर का तो जोर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उनका जोर नहीं है। हाँ, उनका कोई जोर नहीं है। हाँ। उनका उनके जैसा कोई पैदा भी नहीं ले सकता। खान सर जैसा। हाँ, आना कभी होगा। चलते हैं खुली सड़क पे, लोग उन्हें देखते ही बोलते हैं कि देखो खान सर जा रहे हैं दिल में विश्वास रख के। मैं 2.5 लाख फीस का IAS UPSC का, 2.5 लाख का फीस। हाँ, सीधे 7,000-7,500 बदल दे। क्यों? क्योंकि यार उनको पता है दुख तकलीफ सिचुएशन, उतना ना रोया हूँ अपनी लाइफ में जितना रोया हूँ एग्जाम की पढ़ाई में। कैंसिल हुआ पेपर, ख्वाबे ऊपर चलते थे, सोच कर जाऊंगा जॉब। यूं तो देश के जाने माने शिक्षक खान सर को हर कोई जानता है, लेकिन खान सर एक बार फिर से चर्चा के विषय में तब बन जाते हैं जब वो कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, और वहाँ पर जब उनको सवाल पूछा जाता है तो वो कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिसके बाद जो भी लोग वहाँ बैठे रहते हैं हर कोई भावुक हो जाते हैं। अभी हम पटना में खान सर के कोचिंग के बाहर हैं और अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं ये रैपर चाय वाले हैं जो हमेशा से सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। हालांकि इनके पास आने का उद्देश्य ये है कि ये पूरे खान सर के जीवनी के ऊपर रैप लिखे हुए हैं और आज से कुछ दिन बाद ये खान सर के पास जाने वाले हैं, ऐसे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चाय बनाते हैं और हमेशा सोशल मीडिया पर ये छाए रहते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तो भैया घर का सोनू कुमार और स्टेज नाम मैरियो रैपर। अच्छा ये बताइए, अभी आप पटना में देखा जाए तो खान सर के कोचिंग के बाहर अपना दुकान लगाते हैं, कितना लोगों से सपोर्ट मिलता है आपको? जितने भी लोग हैं ना यहाँ का भाई स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट से लेके जितने गली मोहल्ले सब भाई मेरे को सपोर्ट करता है और सब आगे बढ़ाने में लगे। यही कारण है कि आप कोई भी जब मुद्दा होता है तो उन सारे मुद्दों को अपने जरिए रैप के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा अभी जो है खान सर कपिल शर्मा के शो में गए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा बात बोले हैं कि पूरे देश में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन? ऐसा बात बोले ना ब्रो कि यार वो जो उनके साथ जो समय में बीता है, जो देखे हैं, जो सिचुएशन को ढाला है, जैसे वो कि भी उन्होंने बताया कि बमबारी वगैरह भी बहुत लोग करा रहे थे। कहते ना कि जब आप जब गिरते हो ना तो आपको उठाने वाला कोई होता नहीं है, जब आप उठने लगते हो ना तो आपको बम से क्या तोप से भी गिराने की कोशिश किया जाता है। तो उन्होंने उस चीज को झेलते हुए हर चीज को सिचुएशन को पकड़ के स्ट्रॉन्ग अपने दिल में विश्वास और स्ट्रॉन्ग रख के काम करते हुए उन्होंने आगे बढ़ा और बच्चे लोगों के सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 2.5 लाख फीस का IAS UPSC का, 2.5 लाख का फीस। हाँ, सीधे 7,000-7,500 बदल दे। क्यों? क्योंकि यार उनको पता है दुख तकलीफ सिचुएशन। हाँ। क्योंकि जो हमने झेला है ना ब्रो, हाँ, वो और लोग ना झेल पाए। गरीब लोग की बातों को समझते हैं, सोचो यार उन सभी लोगों को, उन लोगों को दुख तकलीफ दर्द को झेलते हुए उन्होंने पैसा क्या ब्रो, पैसे तो हाथ का मैल है, फूक देगा उड़ जाएगा, बट जो दिल में जो विश्वास और इज्जत है ना उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं वो, कि हमारे साथ जो घटना घटी है वो किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो और तरक्की करे सब। बिल्कुल। अच्छा खान सर पर अभी कुछ आप रैप लिखे हुए हैं उनके पूरे जीवनी के बारे में, लिखा था कुछ लाइनें, हम चाहेंगे कि एकदम जोरदार तरीके। दो तीन दिन पहले तो मैंने लिखा है, बट उसको अभी प्रैक्टिस नहीं किया, लिरिक्स अभी और तैयार हो रहा है बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल। हाँ, तो मैं उसको और बेहतरीन तरीके से निकालूंगा, बट लिखा था खान सर, खान सर पटना बिहार के नाम सर, लॉकडाउन में मेहनत करके किया ऐसा काम का, बच्चे को दिल में बनाया अपने नाम सर, हर एक दिल में विश्वास भी लेकर चला है भाई यहाँ, क्योंकि करते थे दिन में रात में जाकर पढ़ाई यहाँ। और ऐसे यहाँ दुख भी तकलीफ भी आया पर उनको गिराना चाहा, वो भी ना गिर पाया, उनके अपने बलबूते पे पिलर भी खड़ा करके देश में नाम कमाया। तो ये खान सर को आप सुनाने वाले हैं कुछ दिनों बाद उनके कोचिंग में जाके? हाँ, देखिए सर ने तो बोले हैं, बट देखते हैं अभी कुछ। देखिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो राजधानी पटना में खान सर के बाहर अपना चाय का दुकान खोले हैं, हालांकि देखा जाए तो चाय का तो दुकान चलाते हैं लेकिन इसके बाद ये बहुत सारा रैप वगैरह भी लिखते हैं और अक्सर इनका जो रैप होता है ना वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है, क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो RRB NTPC में हो जाए, BPSC में हो जाए, और अभी BSSC में जो क्वेश्चन लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं रैप लिखा हुआ। जी जी भैया जी। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। खान सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? खान सर के लिए कहना चाहेंगे, जो उनके लिए कहने के लिए हम लोग के पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो लेजेंड आदमी है। हाँ। और लेजेंड दिनों दिनों अपना वो काम कर रहे हैं। हाँ। बस उनको अब काम करने की छूट आजादी दिया जाए, पूरा एकदम अखंड भारत के निर्माण हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पूरा, क्योंकि
अब गरीब का बच्चा भी सोच पाएगा, जो आईएएस बन पाए, वो अपना ही फी नहीं कम की है। इतना ईमानदार शिक्षक है खान सर, गरीबों की समस्या को समझते हैं, बातों को समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर बम क्यों फेंका गया? देखिए, कभी भी कोई छोटा आदमी कोई मेहनत के बलबूते अगर कोई आगे बढ़ता है ना, तो जो अमीर होते हैं जो गिराने की कोशिश में, वो दिनों में इतने बार समझे, जब आप फेमस हो रहे हैं तो आपको कोई ना कोई, सोचिए कि जिस यूपीएससी की तैयारी जो है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो 2.5 लाख में कर रहे थे, खान सर उसको 7,000 में कर दिए हैं। अच्छा, आपने जो है बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था उस पर रैप लिखे हैं, चाहेंगे कि उसको सुनाइए। हाँ, मैंने यार सिचुएशन को देख के मैंने लिखा, क्या हो रहा है अपने बिहार में, हर बार पेपर होता है यहाँ पर लीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक, क्या हो रहा है अपने बिहार में, हर बार पेपर होता है यहाँ पर लीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक, कोरोना भी आ गया बन के यहाँ डेट, स्टूडेंट की पढ़ाई यहाँ दिन रात करके, या तो मेरे भाई यहाँ मेहनत के बाद यहाँ पता चला सेंटर पर पेपर हुआ लिख, यहाँ एग्जाम हो सा या पेपर किया लिख, यहाँ सरकारी कोई खास सही दिल में लेकर आए थे रात से, दबा के रखा था पूरी यहाँ बात से, घर वालों को क्या मैं बताऊँ दिल की बात से, कोई ना देता यहाँ किसी का साथ, सरकारों को चमचको दे दो बधाई, काम करे ना करे पैसे तो जाए, उतना ना रोया हूँ अपनी लाइफ में जितना रोया हूँ एग्जाम की पढ़ाई में, कैंसिल हुआ पेपर ख्वाबे ऊपर चलते थे सोच कर जाऊँगा जॉब लेके, उस ले रहे बच्चों से सरकार यहाँ दफ्तर, उसमें विलुप्त है बड़े बड़े अफसर, क्या करते थे ये जरा सोच कर निकल जाऊँगा, बच के हंस कर पकड़ गए ये देखो भाई जरा कस कर, करोना भी आया है भाई यहाँ हंस कर, कितने लोग ना फंसे इनके चक्कर, कहाँ से आया ये करोना वायरस, पूरे ही दुनिया में चाहिए वायरस, घर से निकलना बंद किया वायरस, लोगों में दुनिया बनाया ये वायरस, चीन की गलती ने पूरे ही दुनिया को किया है सम, पूरे ही दुनिया में मर रहे हैं लोग, देखो सर याम यो, इतने प्यारे वर्ड्स, करोना क्यों लेते इंसान की जान, बस करोना तुम्हारे चक्कर में मचिए तबाही, बचेंगे लोग तो देंगे गवाही, क्या हो रहा है अपने बिहार में, हर बार पेपर होता है यहाँ पर लीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक, जाके सारे भाई स्टूडेंट लोग है ना समझाओ जाके क्यों ऐसा हो रहा है, यार साल भर मेहनत करता है एक ही बार पेपर लीक होता है तो तुम्हारा क्या हो रहा है, जो पैसे कौड़ी अपने माँ बाप घर परिवार को जमीन उमीन बेच के जब तुम्हारे ऊपर जो लग रहा होगा यार, एक झटके में लिखोने के बाद तुम्हारा जीवन बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बात आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, इतना आप में टैलेंट है लेकिन इसके बाद भी चाय क्यों बेच रहे हैं? देखो ब्रो, जरूरी नहीं कि हर एक इंसान के अंदर में जहाँ धरती पर टैलेंट है, जैसा सिचुएशन वैसा काम, वैसा हालात है तो मैं काम कर रहा हूँ। क्या शौक है चाय बेचना या फिर मजबूरी? देखो ब्रो, शौक तो किसी भी इंसान को नहीं होता, बट होता ना कि हर एक इंसान को काम करने के लिए मजबूर होता है। हाँ। अपने घर परिवार सिचुएशन, घर का बड़ा लड़का हूँ, घर में सब लेके चलना होता है, बहन है सिस्टर, उसको कुछ ना कुछ बनाना है लाइफ में, अपुन तो नहीं बने लेकिन उसको बना के निकाल, बहन के सपने के लिए चाय बेच रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। अच्छा, और खान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खान सर की तो बातें अलग है, बातें अलग है, कहते ना खान सर की तो बातें अलग है, आज देखने में बंदर दिल से एकदम कड़क है, कड़क है, चलते हैं खुली सड़क पे, लोग उन्हें देखते ही बोलते हैं कि देखो खान सर जा रहे हैं, दिल में विश्वास रख के। खान सर का तो जोर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उनका जोर नहीं है। उनका कोई जोर नहीं है, उनका उनके ऐसा कोई पैदा भी नहीं ले सकता खान सर, अन्ना का भी होगा। अच्छा, वो जो बात कहे की 2.5 लाख का जो फी होता है वो 7,000 में कर दिए है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? खान सर अपने लिए स्टूडेंट के बारे में लाइफ जिए हैं तो अपना उनका अनुभव है, तो बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, फीस कम कर रहे हैं कि ताकि सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े। ऐसा हर शिक्षक को करना चाहिए कि नहीं? सब शिक्षक को करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। फिलहाल अभी हम पटना में हैं और जब खान सर के कोचिंग के बाहर आए थे तो इनका दुकान देख गया, अक्सर देखा जाए तो ये रैपर चाय वाले हैं और हमेशा से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। सर, बहुत लोग आपके बारे में दिखाता है, महीने में लाखों रुपये कमा लेते हैं, बात सही है क्या? तो मैं तो ये बात मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर लाख रुपया कमाता हूँ या करोड़ रुपया कमाता तो मैं कहाँ रहता? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्यों दिखाते हैं यार? एक होता है ना कि टीआरपी कमाने के लिए कुछ भी है, मतलब अब खान सर इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे, बम चल रहा है, गोली चल रहा है, अरे खान सर तो ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई जो कर रहा है उनसे जाकर पूछो ना कितना मेहनत, कितना कट, कितना कष्टनाई लगते हैं हर एक चीज को करने में ब्रो, तो सिर्फ कौवे की तरह हवा में उड़ जाने से थोड़ी कुछ हो जाता है, जो यहाँ सुबह से आँख लगते बिना आग धोए 5 बजे 4 बजे भोर में आकर दुकान खोला, लाख रुपए कमा रहे तो एकदम बढ़िया दुकान भी बना लिए रहते हैं ना, लाख रुपए कमाते तो इंसान का अलग है ही, अलग ही पहचान होता है, 100-150 रुपए वाला सामान पहन कर खरीद रहे हैं और लाखों रुपए कमाएंगे तो ऐसे रहेगा? बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये भले ही चाय बेचते हैं लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर बहुत सारे प्रतिभा है, क्योंकि ये बहुत सारे रैप भी लिखते हैं और इनके जो रैप होता है लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। फिलहाल आपको
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय हमें जरूर दे। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।